अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब होंगे खैर खैरियत से एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एज यू ऑल नो, अभी फिलहाल है सहरी का टाइम और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं अपनी पांचवी सहरी। और आज मैं सहरी में क्या खा रहा हूँ ये बताने और दिखाने से पहले मैं अगर चलता हूँ नीचे, क्योंकि नीचे से भी उठानी हम लोगों को दही। पहली चीज़ तो आप लोगों को पता लग गई, तो आओ लेकर आते हैं फ्रिज से दही। अस्सलामुअलैकुम, वो रही दही। ओ जी मामा जी, थोड़ी टीवी आ गई। ये तो अब मैं लेकर आ गया हूँ दही। तो अब बताते हैं कि आज मैं सहरी में क्या कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आज हम लोग खा रहे हैं सहरी में फ्राइड एग और पराठा एंड दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बेहतरीन। आज की पांचवी सहरी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है और अज़ान भी थोड़ी देर में बस होने ही वाली है, तो मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन सुबह स्कूल नहीं है क्योंकि आज है फ्राइडे और सुबह है जी सैटरडे। तो सैटरडे संडे की दो दिन की होगी हम लोगों को छुट्टी। कम बिजी रहूँगा और काफ़ी कम काम होगा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है सुबह और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10:15। तो मैं 8:40 पे गया था और जैसे मैं उठा तो मेरे फौरन दिमाग में एक बात निकली कि यार जल्दी से व्लॉग देखूं, क्योंकि रात को मैंने व्लॉग जो है वो शेड्यूल कर दिया था 7:30 बजे का सुबह के लिए। कि आप लोगों को मैंने रात को बताया था स्कूल तो आज और कल बंद है, तो इसलिए मैं 7:30 तो उठ नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैंने यूज़ किया यूट्यूब का फीचर शेड्यूल वाला, जिसकी वजह से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि मैंने बगैर उठे ही व्लॉग अपलोड कर दिया। मतलब शेड्यूल था 7:30 बजे और वो एग्जैक्ट 7:30 बजे अपलोड हो गया। अभी मैंने ज़रा मुँह हाथ छुआ धोया है तो मैंने कहा हो जाता है जल्दी से फ्रेश। और उसके बाद जो कल मैं स्कूल गया था उधर से मैंने दी थी 2 कॉपीज़ भाई की, क्योंकि नेटवर्क वगैरह उतारना है। फिर भी जब रमजान चल रहा है तो ऊपर से आपको पता ही कितनी ज़्यादा मेरी बिजी रूटीन है। घर वाले अभी सारे सो रहे हैं तो अब मैं करने लगा हूँ जी पढ़ाई। तो आपसे मिलेंगे सीधा पढ़ाई के बाद। स्कूल का काम मैंने 50% कर लिया है और 50% रहता है, क्योंकि उर्दू भी का काम जो है वो मैंने आज उतार लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बचा रहा मैथ का काम, वो करेंगे इंशाल्लाह हम लोग कल, क्योंकि जितना काम मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया। अब हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है दिन, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 1:15 और थोड़ी देर में बस होने वाली है अजान। फिर पढ़ने जाना है हम लोगों को जोहर की नमाज, फिर घर आऊँगा, फिर जो ब्लॉग सारा बंद है उस सैर से लेकर जोहर तक एडिट करना है। यूनो आपको सारी मेरी रूटीन पता ही है। ले जी अजान का बोला और अजान स्टार्ट। तो इसलिए करेंगे मैथ काम कल। तो अभी करते हैं जल्दी से वुज़ू शुरू और फिर चलते हैं जोहर की नमाज पढ़ने। वुज़ू जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है, तो चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन एक सेकंड, पहन लेते हैं आज से टोपी, क्योंकि अब हमने मिल चुकी है टोपी। तो आज इंशाल्लाह सारी नमाजों में टोपी भी पहन के जाएंगे। तो पहन लेता हूँ मैं जल्दी से टोपी। तो ये टोपी पहन ली है, अब चलते हैं नमाज पढ़ने। अजान हो गई तो फिर नमाज पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज पढ़ ली है मैंने और जा रहा हूँ मैं वापस। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं घर नमाज वगैरह पढ़ कर। कमेंट में ज़रूर बताना आपके भाई की आपको ये कैसी लुक लग रही है, क्योंकि इंशाल्लाह अब आने वाले रोज़ों में हम लोग इस तरह की ही रुख रखने वाले हैं। नमाज वगैरह पढ़ के जैसे मैं घर आया हूँ तो बैठने लगा था एडिट पे, तो देखा आए हम लोगों के सारे चाचू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, इनके भी सारे रोज़े जा रहे हैं, आज इनका 5वां रोज़ा है। रोज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? बस नॉर्मल है। नॉर्मल ठीक हो गया। चाचू की पूरी कोशिश है कि वो भी सारे रमजान के रोज़े रखें, बाकी देखते हैं अल्लाह नेमत दे और सारे रोज़े वो रखें। सुनाए ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस फिलहाल आप देख सकते हो 2 बज चुके हैं, तो मैं ज़रा बैठने लगा हूँ एडिट पे। यू नो साथ एडिट भी करना होता है व्लॉग, क्योंकि रोज़ आ रहे हैं हम लोगों के ब्लॉग। और अगर आपने अभी तक हम लोगों की सीरीज़ को स्टार्ट नहीं किया देखना तो जल्दी से देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इफ यू लाइक दैट व्लॉग्स। जी हाँ गाइस, इस वक्त 3 बज चुके हैं। शहर से लेकर जोहर तक जितना मैंने व्लॉग बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया है एडिट। बस दुआ है कि मैं ये पूरे रमज़ान ये व्लॉग्स जो है ना रेगुलर डालता जाऊँ। और बाय द वे आज धूप जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली हुई है। आगे वाले जो रोज़े होंगे ना वो थोड़े से हार्ड होने वाले हैं, बस अल्लाह ताला उनकी हिम्मत दे उस टाइम प्यास वगैरह ना लगे। लगेगी तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा ना लगे कि बंदा यार तो जल्दी से रोज़ा खुल जाए। ये अल्लाह बस मुँह से ना निकलवाए, बाकी धूप वगैरह निकलती है तो फिर निकलती रहे।
तो इस सब मैं आ गया हूँ नीचे क्योंकि अकबर अंकल गए हुए हैं बाजार, नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ है तो इसलिए मैं आ गया हूँ नीचे। और पीछे तैयारी चल रही है, देखिए क्योंकि आज बनने वाले हैं गुड़ वाले चावल। और हमारे चावल अपने वॉश वगैरह करके रेडी कर लिए हैं, गुड़ भी आ चुका है उसके अंदर, ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे वो सब भी रेडी शेडी पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में गुड़ वाले चावल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 4:05 है, पैकिंग का सारा सामान मेरे सामने यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अंकल वगैरह में कोई भी अभी नहीं आया, थोड़ी देर बाद पैकिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। कोई आया है गेट, देखते हैं कौन है। ओके अदरीस साहब आए हैं, किधर गया था अदरीस? पहले ये सही है ना, मतलब ना कोई व्लॉग वगैरह की टेंशन, रोज़ा रख लिया, बस आराम सुकून से चिल करो, मतलब इतनी चिल लाइफ क्या बात है यार, काश मेरी भी होती। ले जी अब हम लोग जा रहे हैं नीचे पैकिंग वगैरह करने के लिए, भाई नहीं सेकंड अगर हमें भी टाइम दीजिए करें। सलामुअलैकुम की अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 4:20, स्टार्ट तो कहते 10 मिनट बाद होती है 4:30, लेकिन मेरे अंकल वगैरह आ गए तो उन्होंने कहा स्टार्ट करते हैं पैकिंग, तो चलो चलते हैं। जल्दी कर लो भाई प्लीज़। चावल वगैरह पापा ने डाल दिए, पहले पापा ने गुड़ को मेल्ट किया था और अब चावल वगैरह डाल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वाहिद अंकल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, आप ही का ख्याल है। आपका ख्याल नहीं, मुझे ये बताए कल हमने आपको कहा था कि आराम से कूदते जाएंगे, आपने फिर बात नहीं मानी, फिर आप साइकिल चला के चले गए। बहुत आवाम थी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए ओके इसलिए मैं जल्दी जल्दी आवाम से जान छुड़ा के। अंकल के कहने का मकसद क्या करेंगे, हम लोग पैदल गए तो फिर पीछे से लोग वगैरह लेने के लिए आ जाते हैं कि भाई हमें दे दो, तो इस परेशानी का हल निकाला है हम लोगों ने कि अंकल जाएंगे सीधा साइकिल चला के। 4:45 हो रहे हैं इस वक्त और आज इधर अब जाके हुई है 4:45 पर, और अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग वाला काम भी आज डन हो गया। अंकल आज तो टाइम पे आया हूँ ना मैं, आज सारे टाइम पे आए हैं। मैं जरा नमाज पढ़ लूँ, वज़ू मेरा है कोई 4 बजे का। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है असर की और अब तस्वीर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करूँगा। नमाज को मैं तय कर ही रहा था लेकिन आशा ने कहा उसने नमाज पढ़नी, तो बस मैंने ऐसे थोड़ा सा तय करके रख दिए। माशाल्लाह जी चावलों की पैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं, काफ़ी तेकर पैकिंग हो गई है और पैकिंग स्टिल हो रही है। ले जी पैकिंग हो गई है कंप्लीट। ओ चलो जी और अब इसे बाहर लेके जा रहे हैं बांटने के लिए, ऐसे ही है अंकल? हाँ जी ऐसे ही ओके। चले जी चावल वाला ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, आज इतना रश वगैरह नहीं था, आप लोगों ने देखा ही है, आज जैसे रानी वाली बात भी है और ऐसी बात भी है कि आज इतना रश कम था। फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है मस्जिद फूड्स वगैरह लेकर, अब वो अंदर लेके जा चुके हैं, अब उसकी वो भी फिलहाल यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं, मतलब अफ्तारी के लिए लोग आए नहीं क्योंकि हम लोग आज जल्दी आ गए, तो भी फिलहाल अंदर वो बन रहा डब्बे के अंदर। पैकिंग वाला हम लोग का काम जब उन लोगों का हो गया था, मैं ज़रा बैठ गया था, वो लड़कों ने घेर लिया था, वो कह रहे थे भाई चैनल का नाम वगैरह बताओ, तो मैं ज़रा उनको ये बता रहा था, अदरीस ने उछा हुआ लेके बेचारा वो एंड पे खड़ा हुआ मेरा वेट कर रहा है, वो देखेगा इस वो बुला रहा है कि आ जा जल्दी से। आ गया भाई, आज बहुत ज़्यादा चावल ले ले क्योंकि हम लोगों ने आगे भी लेना है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा आज चावल लेके जा रहे हैं, पकड़ने में यार बहुत भारी है। सही पता चलेगा, रोज मुझे पकड़ाते ना आज तुझे पता चलेगा। क्या मुझे रोज मुझे पकड़वाते ना आज तुझे पता चलेगा कितने भारी चावल है। चावल इतने भारी थे कि मेरे इस साइड पे बाजू पे ना काफ़ी ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, तो अदीस ने कहा मुझे पकड़ो, तो इतनी जल्दी थक जाते हो। अस्सलाम वालेकुम अदीस भाई, हम भागते हुए अंदर चले गए, अंकल अभी दरवाज़ा बंद करके गए थे, मैं थोड़ा पीछे था, अंकल का अब कौन आ गया भाई तेरे इसमें तो सबर नहीं ना। एक अभी फिलहाल 5:50 होने वाले हैं, हुए नहीं है क्योंकि अभी है 5:47 PM। अभी यहाँ पर रफ्तारी भी बन रही है क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है ना, शायद रोज़ा 6:20 खुलेगा, तो इसलिए आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा टाइम बाकी है अभी इफ्तारी में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की इफ्तारी हो गई है रेडी, इफ्तारी के अंदर है आज जी क्रीम चाट, फ्रूट चाट, पकौड़े, खजूर, बिरयानी और दूध सोडा। बस 5 मिनट रह गए इफ्तारी के अंदर, इंशाल्लाह उसके बाद हो जाएगी इफ्तारी और हम खोलेंगे आज अपना 5 बार रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो गई है मगरिब की, तो खोलते हैं अपना रोज़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सब्तु वबिका अमंतु वलैका तवक्कलतु वला इस्की गफ्तरतु। आज हम रोज़ा खोलेंगे इस तिलो वाली खजूर के साथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अच्छी इसके अंदर कोई अजीब सी
मीठा सा कुछ है, अभी चेक करता हूँ। क्रीम है मीठी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना पांचवा रोज़ा भी इफ्तार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग के लिए दी मुझे इजाज़त, मैं जा रहा हूँ क्योंकि अभी मगरिब की नमाज़ पढ़नी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, भाई को ज़्यादा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।